बिलासपुर में रेलवे परिक्षेत्र में भारत माता अंग्रेजी माध्यम स्कूल के विज्ञान क्लब में चार छात्रों ने घरों से निकलने वाले कचरे को खाद में बदलने की एक मशीन बनाई है। छात्रों के 6 महीने के अथक प्रयास के बाद 50 किलो कचरे से करीब 14 किलो खाद बनाने की मशीन तैयार की गई है। छात्रों ने बताया कि प्रोटोटाइप मॉडल को शिक्षक पानू हलधर के मार्गदर्शन में पूरा किया गया है और इस मशीन को तैयार करने में घर में पड़े पुराने सामान और करीब 1500 रुपए के खर्च से यह मशीन बनाई गई है। बताया जा रहा है इस तकनीक को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में भी भेजा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाने के लिए छात्रों ने पीएमओ को पत्र भी भेज दिया है। बता दें कि भारत माता इंग्लिश मीडियम स्कूल के साइंस क्लब को नासा की सदस्यता मिली है। आजकल के हम देखते हैं कचरे का चीज निष्पाशन नहीं होता, या फिर हम घर से कचरे निकल के वो कचरा गाड़ी फेंक देते या फिर हम घर से बाहर फेंक देते कहीं पर भी, तो उसका अच्छी तरीके से उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग ने ये मॉडल बनाया है जिससे एक ड्रम की ज़रूरत पड़ती है, उसके अंदर हम 2-3 ब्लेड फिक्स कर देते हैं, उसको घुमाने से कचरा मिक्स भी हो जाता है, हमारे हाथ के लिए एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो ये कचरे का उचित निष्पादन ना हो नहीं होता है करके हमने हमारा ये मॉडल बनाए हमने। जो आज के समय में सबसे प्रमुख समस्या ये है कि गाड़ी वाला आने से ही घर से कचरा उठता है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना घर में ही हम गीले और सूखे कचरे को अलग अलग कर ले, और एक ऐसी सस्ती तकनीक हम लोगों ने विकसित की। आसानी से आप अपने घर से निकले वाले, रसोई घर से निकलने वाले 50 किलो से ज़्यादा कचरे को आप बदल के 10 से 15 किलो खाद में बदल सकते हैं। ये आसान तकनीक है। नीति आयोग बच्चों के अंदर वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने के लिए बहुत सारे अवसर बच्चों को प्रदान करता है। इसके तहत जिले के भारत माता स्कूल के विद्यार्थियों ने अपना मॉडल बनाया था जिसको नीति आयोग के द्वारा प्रशंसा किया गया है। एक अच्छा काम जिले की ओर से हुआ है। हम उन बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं कि वो और भी अच्छा करें और जिला स्तर से जो भी उनको आवश्यकता होगी, मदद की आवश्यकता, प्रशासनिक मदद की आवश्यकता, हम तत्पर हैं उनको मदद करने के लिए।